after conduction we are moving towards the second mode of transfer of heat that is convection what happens in a convection as we know liquid and gases do not conduct heat they are bad conductors so gases and liquids do convection do convection what is convection सोल्स डू नॉट डू कन्वेक्शन बिकॉज देर पार्टिकल आर टाइटली पैक्ट इन अ कन्वेक्शन पार्टिकल मस्ट बी फ्रीली मूव बाई मूविंग दे कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन एरिया टू एन अदर एरिया सो लिक्विड फॉर सपोज इस कैटल में लिक्विड है इसे हीट प्रोवाइड की गई तो जो भी लिक्विड पोर्शन हीटअप हुआ वो मूव करना शुरू कर देगा अपवर्ड बिकॉज वार्म वाटर इज वार्म वाटर इज लाइटर देन कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ज्यादा डेंस होते हैं बनस्बत वार्म वाटर के तो जैसे ही पानी वार्म होना शुरू होगा वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा थ्रू कन्वेक्शन करंट थ्रू कन्वेक्शन करंट दिस मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर टूवर्ड्स अप साइड एंड मूवमेंट ऑफ कोल्ड वाटर डाउनवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट इस तरह केटल में जैसे पानी नीचे वाला पानी गर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता जाना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी लेस डेंस होने की वजह से ऊपर की तरफ जाना जाने लग जाता है और कोल्ड वाटर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है इस स्ट्रीम को इस सर्कुलेशन को सर्कुलेटिंग स्ट्रीम को जो कैटल के अंदर हो रही है इसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट और ये लिक्विड एंड गैसेस में होता है सॉलिड्स में नहीं होता कन्वेक्शन के थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड्स में सॉलिड एंड लिक्विड के थ्रू कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर की जाती है एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये लैंड पर लैंड जल्दी हीटअप हो जाती है बनिस्मत सी के ऐसा क्यों होता है जी ऐसा बिल्कुल कन्वेक्शन की वजह से होता है जैसे ही सी के वाटर में वाटर हीटअप होता है वो ऊपर की तरफ़ जाना शुरू कर देता है और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट जिसकी वजह से सी का जो है टेम्परेचर मैंटेन रहता है इतनी जल्दी हीटअप नहीं होता बनस्पत लैंड के लैंड में कन्वेक्शन करंट वाला प्रोसेस नहीं हो रहा जिसकी वजह से लैंड बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है